अब REAP, हाँ जी, अब राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। हाँ जी भैया, ये क्या होता है? अब जो राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेते हो उसको बोलते हैं राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। वैसे राजस्थान के अंदर भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको क्या लगता है? मतलब हाँ जी, कुछ कुछ कॉलेजेज है राजस्थान के अंदर भी। आज डिस्कस करेंगे इन कॉलेजों के बारे में, क्या यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी कुछ होता है, कैसे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आज मैं आपको देश की बात करूं तो आप घर से बाहर निकलेंगे ना, और अगर आपने घर से बाहर निकल के पत्थर फेंक के मारेंगे आज, तो वो जो पत्थर है जाहिर सी बात है किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को लगेगा। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ जगह आज देश के शहर के हर कोने के चौखट के ऊपर आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। और हाँ, आज मैं पेरेंट्स की क्या देख रहा हूँ, पेरेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को यही है कि अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाना भैया। इंजीनियरिंग करेगा मेरा बच्चा आज तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करेगा। ऐसा क्या घुस गया इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, ऐसा क्या है वैसे इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर? आप वो पेरेंट्स जिनको पता भी नहीं है कि ये कंप्यूटर साइंस होता क्या है, मैकेनिकल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, नो किसी को पता भी नहीं है, आप फिर भी उनको अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस ही कराना है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया इनके दिमाग के अंदर। आप पहले थोड़ा कंप्यूटर साइंस के बारे में बता देता हूं। वैसे इंडिया के अंदर जितने ज्यादा बेरोजगार लोग हैं उसमें से 45% आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। जो भी इंजीनियरिंग करते हैं उसके अंदर 45% जो इंजीनियर्स है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। वैसे इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, जो कॉलेजेज है प्राइवेट कॉलेजेज, उनको पता है कि यार इनको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए। वो क्या करता है प्राइवेट वाला, क्या करता है वो जो है 90 अगर उसके पास सीटें होती है तो वो कंप्यूटर साइंस की 150 सीट कर देता है, या फिर कंप्यूटर साइंस की सीट कर देता है 200, और जो बाकी जो कम सीटें होती है जिन ब्रांचों में बच्चे एडमिशन कम लेना चाहते हैं उनकी सीट क्या कर देता है, वो 50 कर देता है, वो 15 कर देता है, वो उसकी सीट 30 कर देता है, लेकिन वो आप कंप्यूटर साइंस की सीट बढ़ा देता है भैया, इंक्रीज कर देता है कंप्यूटर साइंस की सीटों को। और आप लोग जा रहे भैया कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा एडमिशन, आप कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। आप प्राइवेट वाले को क्या चाहिए, उसको चाहिए पैसा आ रहा है। अब मेरे पास काफी कॉल आते हैं वैसे बहुत सारे बच्चों के कि हम प्राइवेट कॉलेज में भी डोनेशन देने को तैयार है, हमको आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिला दीजिए। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत गलत कर रहे हो बेटा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 5 लाख रुपए डोनेशन के मांगती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन देने का। और जो है अगर आपका प्लेसमेंट भी हो गया तो आपका एवरेज प्लेसमेंट होगा वो 3 LPA का, 4 LPA का। आप क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी ऐसे कॉलेजों के अंदर, डोनेशन दे के एडमिशन लेंगे, ये डोनेशन दे के एडमिशन लेंगे। अब बढ़ते हैं इस रीप राजस्थान का क्या प्रोसेस रहता है, उसके अंदर कैसे कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेज हैं, अच्छी ब्रांचेज कौन सी चल रही हैं आजकल। अब ये REAP क्या है, ये रीप राजस्थान क्या होता है वैसे? अब देखो ये एक बॉडी है गवर्नमेंट की, ये क्या करता है, ये एक बॉडी है, बहुत एकदम बॉडी है ये क्या करता है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बोलता है अच्छा अच्छा तेरे को एडमिशन चाहिए, अब तेरे को बच्चे चाहिए, अब कोई बात नहीं तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को बच्चे ला कर दूंगा, अब तू मेरे को थोड़ा सा जो है टैक्स दे दे, अगर तेरे को मेरे थ्रू एडमिशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे बच्चों को बोल दूंगा मेरे पास कॉलेजेज है और तुम लोग मेरे ऊपर रजिस्टर करो, और अगर तू कॉलेज है तो तू मेरे को थोड़ा पैसा दे दे। तो ये कॉलेजों को क्या बोलता है, ये सारे कॉलेजों को इनवाइट करता है कि जिसके पास भी UGC का AICTE का अप्रूवल है वो मेरे थ्रू आके मेरे से एडमिशन ले सकता है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, अच्छा अच्छा एडमिशन आ जाएगा, हमारी जो सीटें हैं वो भर जाएगी, अब तो वो क्या करते हैं, वो इसके पास जाते हैं, भैया अच्छा अच्छा ठीक है हमारे कॉलेज में भी सीटें ला दे भाई, रीफ हमारे कॉलेज में भी सीटें ला दे, रीफ हमारे कॉलेज की भी सीटें भर दे, ठीक है तेरी कितनी फीस है, वो बोलता है मेरी तो 10,000 फीस है, मेरी 13,000 फीस है, मेरी 15,000 फीस है, तुम लोग जो है मेरी 10,000 फीस जो मेरे को दे दो तुम, और मैं जो है बच्चों को बोल दूंगा अच्छा ठीक है वो उसको कॉलेज है जो उसके पास आकर रजिस्टर हो जाते हैं कि ये ले 10,000 मेरे कॉलेज में भी सीटें भरा दे, मेरे कॉलेज में भी सीटें भरा दे। गवर्नमेंट वाले भी आते हैं, ठीक है हमारी कॉलेज में भी सीटें भरा दो, हमारी कॉलेज में भी सीटें भरा दो, ठीक है हमारे पास ये ब्रांचेज है, वो कहता है ठीक है बिल्कुल
करा दूंगा। फिर ये क्या करता है, ये बच्चों को बोलता है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलती है बच्चों को, अच्छा अच्छा तुमको एडमिशन चाहिए, तुमको गवर्नमेंट में चाहिए, तुमको प्राइवेट में चाहिए, अब कोई बात नहीं तुम्हारा मैं करा दूंगा एडमिशन, तुम ऐसा करो जो तुम जो फीस वगैरह जमा करोगे ना, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, कोई भी घफला वगैरह कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, और कॉलेजों से पैसे वापसी भी मैं ही कराऊंगा, तुम ऐसा करो तुम मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे इतने फॉर्म भर रहा हूँ, मैं इतनी वेबसाइट वगैरह डिजाइन कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो मेरे को तुम 200 रुपये दे दो, तुम मेरे को 250 रुपये दे दो, पूरा एडमिशन प्रोसेस मैं करा दूंगा। बच्चे बोलते ठीक है भैया 250 तो बहुत कम है, अब तो ये ऐसा प्रोसेस चलता है, वो एक बॉडी है। अब उसको ये प्रॉब्लम आता है कि यार मैं एडमिशन इनके मार्क्स कैसे डिसाइड करूँ, तो वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुमको इसके लिए ना जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा, मैं जो उसके मार्क्स के बेसिस पे आसानी से कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, ठीक है तुम्हारा जो है जेई दिया हुआ होना चाहिए, जेई मेन अगर तुमने दिया है तो जो है उसके मार्क्स मेरे पास ला के रजिस्टर कर दो, और उसका एक प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट भी मेरे पास रजिस्टर कर दो कि ये देखो ये मेरा देख लो आप जो मेरा कार्ड है इसके अंदर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो जो है काउंसलिंग करा देता है बच्चों की, हाँ जी वो जो है काउंसलिंग करा देता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज देश के अंदर, आप वो है ब्रांचेज का, हाँ जी भैया हम फील्ड कौन सी चूज कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमारा देश उतना नहीं बदला पिछले 20 सालों के अंदर जितना पिछले 2 साल के अंदर बदल गया है, और आने वाले 10 साल के अंदर इतना बदल जाएगा, आने वाले 10 साल में इतना बदल जाएगा, 80% जॉब जो है वो टेक्नोलॉजी खा जाएगी, वो AI खा जाएगी। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि आपको आप ब्रांचेज वो चूज करनी है जो आपको 4 साल बाद बीटेक करने के बाद भी जॉब दे, वरना ऐसा पता चले कि आपने बीटेक कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद अब जब भी आप जॉब के लिए रेडी हुए 4th साल आपका आया, वो आपकी ब्रांच एकदम खत्म ही हो गई, अब वो गायब ही हो गई। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको मैं, अब राजस्थान के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट, हाँ जी बहुत सारे होटल है, जो पर्यटक का बहुत बड़ा जो है टूरिज्म का बहुत बड़ा संस्थान है हमारे इंडिया का, उसके अंदर क्या हुआ होटल बहुत ज्यादा है, हमारे जैसलमेर में बहुत होटल है, अजमेर में बहुत होटल है, जयपुर के अंदर बहुत सारे होटल है। उसने क्या किया, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डाल दिया होटल्स के अंदर, वेटर को उड़ा दिया, डायरेक्टली गायब कर दिया, वेटर की कोई जॉब नहीं है। अब जो जो टेबल होती है टेबल के ऊपर ट्रेन बिछा दी भैया, और जो है होटल के अंदर कुक की जगह रोबोट लगा दिया, रोबोट को बता दिया तेरे को इतना धनिया डालना है, इतनी मिर्ची इतना नमक डालना है, इतनी सब्जियां डालनी है, रोबोट सब्जियां पका रहा है, और रोबोट के पास वो ट्रेन जाती है, सॉफ्टवेयर से पूरा कंट्रोल होता है, अच्छा इतने नंबर कुर्सी पे तेरे को सामान छोड़ के आना है। अब ट्रेन के ऊपर जैसे ही थाली को रखा और ट्रेन लेकर आ गई कस्टमर के पास, उसने उठाया वापस चली गई, अब एकदम पूरा का पूरा ऑटोमेट हो गया, और 2 लोग मिलके पूरा का पूरा रेस्टोरेंट चला रहे, सारी की सारी जॉब्स खत्म। ठीक है, ऐसा ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रिप्लेस कर रही है लोगों को। ऐसे आपको मैं कहानी बताता हूँ, आज से 3 साल पहले जब मैं सूरत में रहता था वहां पे 10 लाख लोग जो है हीरा बनाते थे, हमारा जो होता ना गोल गोल डायमंड, वैसे सूरत को सूरत के अंदर बहुत ज्यादा डायमंड बनता है, इसलिए उसको जो हीरो की नगरी कहा जाता है, सूरत उसका नाम ही इसलिए बना है क्योंकि वहां पे हीरे बनते हैं, हीरे की सूरत बहुत अच्छी होती है, सुंदर होते हैं, इसलिए उसका नाम सूरत रख दिया। अब वहां पे क्या हुआ, पिछले 2 साल के अंदर 10 लाख जॉब जो है डायमंड मेकर की चली गई, क्योंकि वहां पे सारा का सारा ऑटोमेशन आ गया। हमारे जैसे जोधपुर बीकानेर के अंदर पहले बहुत सारे FMCG के खाने के प्रोडक्ट बनते थे, लेकिन सारा का सारा ऑटोमेट हो गया, और खाने के प्रोडक्ट के अंदर आज तक तो हैंड टच भी नहीं होता, पहले घरों के अंदर औरतें फालरी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, चिप्स आप लोग देखते हो पोटैटो चिप्स पहले हाथों से काट काट के सुखाया करती थी छतों के ऊपर, सब कुछ सारा का सारा रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ने सारी की सारी खत्म कर दी, आजकल सारा का सारा सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। हमारे जैसे ये जोधपुर हाईवे पे जयपुर गुड़गांव बेंगलोर के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री चला करती थी, लेकिन सब जगह ऑटोमेशन हो गया, मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
ब्रांच कौन सी चूज कर रहे हो, हाँ जी आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा हो सकता है, इसीलिए आपकी हेल्प करता है कॉलेज जानकार की बेहतर तेरे को कौन सा ब्रांच लेना है, 4 साल बाद कौन सा चलेगा, या फिर तेरे लिए बेस्ट कोर्स वो कौन सा सकता है, सारे के सारे एक 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 डिस्कस किए हैं सब कुछ, इसके अंदर आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए बोर्ड लाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल लगा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का भी नंबर दिया है, अब वहाँ पे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया, कॉलेजेस का क्या सीन है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान जाएंगे भैया अब धोरा वाली धरती जाएंगे। अब वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो राजस्थान के बाहर से होंगे भैया, कोई राजस्थान के बाहर हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई कोलकाता, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है। देखो राजस्थान का सटीक प्रोसेस है कि मैं अपने बच्चों को सीटें दूंगा 85%, यानी कि अगर 100 सीट है तो 85 सीट सिर्फ राजस्थान के बच्चों को मिलेगी, और अगर आप बाहर से हैं तो आपके लिए टोटली 15% सीट रिजर्व है और 85% राजस्थान के बच्चों को मिलेगी। और राजस्थान वालों के लिए तो मजे हो गए, लेकिन 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 इसके अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, आप इस गेम को समझो। राजस्थान के अंदर अगर आप जाते हैं तो अच्छे कॉलेजेज कुछ ही है, देखो इसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, देन आपको एडमिशन लेना चाहिए अब बेंगलोर के अंदर। कैसे, वहाँ पे आपको स्टार्टअप फंडिंग मिल जाएगी, वहाँ पे कंपनीज बहुत सारी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मुंबई में एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर आप एडमिशन लोगे, अगर आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया सेकेंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर के अंदर, तो भी आप जा नहीं सकते वहाँ से, कैसे ट्रेवल करोगे। हाँ जी, कंपनियों के अंदर इंटरव्यू दोगे कैसे, आप राजस्थान से बेंगलोर जाओगे, राजस्थान से मुंबई जाओगे, या फिर वहाँ पे बहुत सारे लोट ऑफ तो ग्रामीण इलाके हैं आज भी। आप कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपको जोधपुर के अंदर एक कॉलेज मिल जाएगा जिसको अजमेर, जिसको जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता है, एक जो है राजस्थान के उदयपुर के अंदर कॉलेज है, और मैक्सिमम 5 से 6 ऐसे अच्छे कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, और कुछ आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाते हैं, और तो सारे के सारे कॉलेज राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के अंदर है, जहां पे सर्विस कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी कमजोर दिखाई देती है, और वहां से आपको किसी ब्रांड कलेक्शन का आ पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कंपनी आती है, अगर आपको गूगल रिक्रूट करता है, अगर आपको इंफोसिस रिक्रूट करती है, अगर आपको IBM रिक्रूट करती है, तो वो कैसे रिक्रूट करती है जी भैया, अब वो राजस्थान के भीलवाड़ा में तो आएगी नहीं, ना ही वो अजमेर के अंदर आएगी, ना ही वो करेली में आएगी, ना ही वो अदर बांसवाड़ा में आएगी, ना ही वो हनुमानगढ़ में आएगी, ना ही वो सीकर के अंदर आएगी, ना ही वो डीडवाना में आएगी। वैसे तो आजकल राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिले भी बना दिए गए हैं, अब भर भर के जिले बना रहे हैं, अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके छोटे छोटे जिलों में तो आएगी नहीं, तो यहाँ से प्लेसमेंट होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन कुछ ही कॉलेजेज हैं जो कि टॉप के आपको अच्छे प्लेसमेंट देती है, ठीक ठाक आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं, लेकिन आपका सपना कंप्यूटर साइंस में जाने का है, लेकिन उसमें तो लो टॉप आपको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। आप कुछ ही बच्चे हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर, आपको आप एक बीटेक इंजीनियर करता क्या बात, मेरे से बीटेक इंजीनियर बीटेक बेरोजगार रहता नहीं है, या कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है। वैसे कोई बात नहीं भैया, बीटेक के अंदर जॉब नहीं मिल रही, मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, वैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता हूँ, और बाद में अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ भैया, आप कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूंगा, ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। वैसे तो वैसे काफी अच्छे कॉलेजेज भी है, आप जो है प्राइवेट कॉलेज या फिर लल्लू लाल कॉलेजों से थोड़ा दूर रहे, जो अच्छे कॉलेज नहीं है, जो कि बड़े शहरों के अंदर नहीं है। हालांकि जयपुर के अंदर आपको कुछ अच्छे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप गाँव के अंदर रहते हैं, अगर आप छोटे शहरों के अंदर कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका कोई ही फायदा नहीं है, आप उनको बेझिझक छोड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे शहरों में जाना है, हम आपको बताते हैं यार, बेंगलोर आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ये गुड़गांव हो गया, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ पे आपको एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहिए। वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। लाइक दिस
ये रहता है एडमिशन का प्रोसेस। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आपके एटलीस्ट 90% रिक्वायर्ड होने चाहिए जेईई मेन जैसे एग्जामिनेशन के अंदर। हालांकि बाद में आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन लेने का मौका दिया जाता है। अगर आपको एक अच्छा ब्रांच चाहिए, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करियर के। ऐसा नहीं है कि आपको एक बेरोजगार इंजीनियर ही बनना है। आप एडवोकेट कैसे बन सकते हो, आप एडवोकेट या लॉयर कैसे बन सकते हो, आप पायलट कैसे बन सकते हो, भैया एविएशन में बहुत स्कोप है आजकल। हाँ जी, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ड्रोन तो हमारा देश का फ्यूचर रहने वाला है। फ्यूचर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टैक्सी, एरोस्पेस, एरोनोटिकल, मिसाइल हो गया, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ने वाला है। इसके बाद और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके पास बच जाते हैं भैया, फार्मेसी हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल में भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, आप जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आप लोट ऑफ कोर्सेज है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे कंप्लीट A to Z। हम आपको गाइड करते हैं भैया आप क्या करना है, हाँ जी आप क्या करना है इस प्रोसेस के अंदर।